Hey guys, welcome back to our channel. So guys, आज हम लोग करने वाले हैं drawing. So guys, first मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं. Let's go. तो पहले मेरे पास हैं ये crayons जो मैंने लिए थे और ये मैंने कभी use नहीं किए, तो मैंने सोचा था आज की drawing में use करेंगे, तो इनको set पर कर देते हैं. Then फिर मेरे पास है फ्लूपा के ही goldfish के फ्लूपा कलर्स, तो ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि ये भी मैंने न्यू लिए हैं. और अभी हम आ जाते हैं दूसरे कलर्स पे जो कि गोल्ड फिश के नहीं हैं लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं. ये मैंने लिए थे, ये भी मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैंने सोचा इनको मैं पेंट्स को अभी यूज़ करूँगी. तो इसके अंदर टोटल 6 पेंट्स हैं जो कि खोल कर मैंने देखा तो बिल्कुल ही नहीं होते, लाइक अंदर से पूरे सील पैक हुए हुए थे. तो उसको वापस रख देते हैं और बाद में यूज़ करेंगे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी. बाय बाय. तो गाइस ये है मेरा स्केच बुक और इसमें ये पहला मेरा स्केच है. और आप बताएं कि इसके अंदर मैं क्या बनाऊँ. ये मैंने मंडाला ड्राइंग बनाई थी. और ये कैट्स, ये फिर से दूसरा स्केच जो मैंने पहली बार बनाया था. और ये मैंने ऐसे ही बनाया था लाइक जस्ट फॉर फन. और ये भी मैंने स्केच बनाया, ये भी मैंने बनाया है और ये मैंने बनाया जिसके नीचे मैंने कन्वे करना चाहती थी. तो ये है मेरा रफ स्केच. मैं हर एक स्केच से पहले ये रफ स्केच बनाती हूँ. तो अभी इसको नीट करते हैं इस स्केच को. तो अभी मैं बना रही हूँ नीट स्केच. अभी मैंने इसका पहले बैंड बनाया, लाइक मुझे बैंड बहुत ही अच्छा लगता है इसका. इसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन है, ये बहुत कूल सा लगता है. तो ये मेरा स्केच है जो मैंने नीट स्केच बनाया क्योंकि मुझे रफ स्केच अच्छा लग रहा था. तो अभी इसको पॉइंटर करते हैं, लेट्स गो. तो अभी ये पॉइंटर हो चुका है जिसको मैंने पॉइंटर कर दिया. तो मैं सोची इसमें मैं पेंट करूं कि नहीं करूं या फिर ऐसे ही अच्छा लग रहा है. फिर मैंने बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करने के बाद और लोगों से ओपिनियन लेने के बाद इसके अंदर था जहाँ पर लाइक स्केच में शेडिंग होनी थी वहाँ पर मैंने शेडिंग कर दी है. बाकी अभी भी मैं सोच रही हूँ पेंट करूँ कि ना करूँ, लेकिन सब ने कहा कर दो अच्छे नहीं लगे, ऐसे अच्छे नहीं लग रहा. तो मैंने अंदर से इसका पेंट कर दिया जो इसने इनर पहना हुआ है, अंदर से वो पेंट कर दिया. फिर मैं सोच रही थी कि इसको मास्क में पेंट करूँ कि ना करूँ. तो ये भी सोचने के बाद मैंने कर ही दिया इसके मास्क में भी पेंट, जो कि अच्छा लग रहा था. मुझे तो अच्छा लग रहा था, बाकियों का पता नहीं. तो मैंने ऐसे फिर इसका मास्क भी पेंट कर दिया, अपनी ख्वाहिश पूरी कर ही दी मैंने. और मेरे हाथ गंदे हो गए तो मैंने ग्लव्स पहन लिए ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो. इसके अंदर ब्राउन पेंट कर दिया. इसका वैसे नेवी ग्रीन कलर पेंट था लेकिन मेरे पास नेवी ग्रीन था नहीं, तो मैंने इसके अंदर ब्राउन पेंट कर दिया. और ये अभी सूख रहा था जो कि आधा सूखा हुआ था आधा नहीं हुआ हुआ था, ये मुझे अच्छा लग रहा था. तो गाइस ये है मेरा फाइनल रिजल्ट. आप बताएं आपको कैसा अच्छा लगा. आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर.